झारखंड में सरकार गठन के इतने दिन बाद भी ना तो बाकी मंत्रियों ने शपथ ली है और ना ही अब तक विभागों का बंटवारा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही है उसके अनुसार पार्टी और मंत्री का वजन उनका विभाग तय करेगा। झारखंड में किसके जिम्मे कौन विभाग, स्वास्थ्य सचिव में कौन है फिट, गृह विभाग में है किसका डेरा, खेल के मैदान से पर्यटन के पहाड़ तक सिर्फ और सिर्फ अटकले ही अटकले। कभी जेएमएम कोटे से बनने वाले मंत्री के नाम की चर्चा, तो कभी कांग्रेस को मिलने वाले विभाग पर फुसुर फुसुर। दरअसल राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी और विभागों के बंटवारे पर लगे पूर्ण विराम ने सबको ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है। रांची से दिल्ली तक हेमंत सोरेन और कांग्रेस विधायकों की दौड़ के बाद भी इस सस्पेंस से पर्दा नहीं उठ पा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि विभागों का बंटवारा हेमंत सोरेन सरकार में दलों के दमखम का पैमाना होगा, मतलब जिसके हिस्से में ज्यादा और प्रभावशाली विभाग उसकी उतनी पूछ। बहरहाल 14 महीने वाली हेमंत सोरेन सरकार के वक्त विभागों के बंटवारे को भी कुछ लोग आधार मान रहे हैं, पर पिछली बार की हेमंत सोरेन सरकार और वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार में बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के साथ संभवतः स्पष्ट हो जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट।